हेलो दोस्तों, आल जॉब न्यूज़ नोटिफिकेशन में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, ONGC मैंगलोर पेट्रोलियम लिमिटेड कंपनी में अप्रेंटिस के लिए वैकेंसीज निकाली गई है, ठीक है, जिसमें डिप्लोमा और बीटेक वालों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो कंपनी आप देख सकते हो, ONGC मैंगलोर पेट्रोल केमिकल्स लिमिटेड, जो कि कर्नाटक की है कंपनी, इसमें केमिकल प्रोडक्ट बनते हैं। तो चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन आज ही जारी किया गया है, 25/10/2018 को जारी किया गया है। जो एप्लीकेशन ऑनलाइन की लास्ट डेट है 24/11/2018, यानी 24 नवंबर 2018, ठीक है। कंपनी है अपनी ONGC मैंगलोर पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, जो कि कर्नाटक की है। और इसमें बताते हैं, केमिकल इंजीनियर्स की वैकेंट पोस्ट हैं 2, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की है 3, और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की है 1, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है 1। यह है डिग्री इन इंजीनियरिंग इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन, यानी बीटेक वालों के लिए है ये। और स्टूडेंट रहेगा 4,984 पर मंथ, ठीक है। और यह है बीटेक वालों के लिए, और यह है डिप्लोमा वालों के लिए, जिसमें केमिकल इंजीनियरिंग की 2, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की 2, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की है 1 स्लॉट्स। डिप्लोमा वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इनकी 3,542, ठीक है। और इसमें टोटल पोस्ट की डिटेल्स बता रखी है, ग्रेजुएशन यानी बीटेक वालों के लिए केमिकल की 2 है, जिसमें SC की नहीं है, OBC की 1 है और जनरल की 1 है, ठीक है। इसी प्रकार इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की टोटल 3 है, जिसमें SC की 1 और OBC की 1 और जनरल की 1 है, ठीक है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की टोटल 1 ही है, जो जनरल में है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 1 ही है, जो जनरल में है, ठीक है। इसी प्रकार डिप्लोमा वालों के लिए टोटल 2 है केमिकल वालों के लिए, इसमें जनरल की है दोनों, OBC की नहीं है। वैसे ही इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की टोटल 2 है, जिसमें OBC की 1 और जनरल की 1 है, ठीक है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की टोटल 1 है, जिसमें OBC जनरल की 1 है, ठीक है, OBC वालों की नहीं है। तो दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें, द फर्स्ट स्टेज ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स विल बी डन बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ मार्क ऑब्टेंड बाय द कैंडिडेट इन द बेस क्वालिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग डिप्लोमा, यानी डिप्लोमा या बीटेक के की परसेंटेज के अनुसार शॉर्ट लिस्ट निकालेंगे, ठीक है। और रिटर्न एग्जाम होगा। द सिलेक्शन प्रोसेस सेल कंसिस्ट द ऑफ रिटर्न द टेस्ट, यानी शॉर्ट लिस्ट निकालने के बाद रिटर्न टेस्ट होगा, ठीक है। रिटर्न टेस्ट में द रिटर्न टेस्ट विल कंपेरिज ऑफ 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, विद मल्टीपल चॉइस फ्रॉम द कंसर्न डिसिप्लिन सब्जेक्ट। ऑल द क्वेश्चन कैरी इक्वल 1 मार्क, 1 क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ठीक है। पेपर इंग्लिश में आएगा, ठीक है। तो टोटल है ये, ठीक है दोस्तों। तो ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट है 25/10/2018 और लास्ट है 23/11/2018।
या दोस्तों, कंपनी केमिकल्स अच्छी कंपनी है, अप्रेंटिस की काफ़ी ज़रूरत भी होती है जॉब के लिए। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो अगली मैं वैकेंसी से रिलेटिव जो वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।